खबर नरसिंहपुर से। शासकीय विद्यालयों में 13 जून तक आयोजित हो रहे समर कैंप कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले के निर्देशन और जिला शिक्षा अधिकारी एचपी कुर्मी के मार्गदर्शन में समर कैंप का आयोजन। नरसिंहपुर कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले के निर्देशन और जिला शिक्षा अधिकारी श्री एचपी कुर्मी के मार्गदर्शन में जिला के शासकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक विकास के उद्देश्य से 13 जून तक समर कैंप का आयोजन किया जा रहा। इन समर कैंपों के माध्यम से छात्र छात्राओं को कबड्डी, क्रिकेट, बैडमिंटन जैसे आउटडोर खेल के साथ डांस, चित्रकला, शतरंज, कैरम, इंडोर जैसे खेल सिखाए जा रहे। इसके साथ योगाभ्यास भी कराया जा रहा। सभी शासकीय विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित किया जा रहा। गोटेगांव तहसील के अंतर्गत पीएम श्री शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करकबेल के प्राचार्य श्री रघुवीर सिंह लोधी ने बताया कि समर कैंप में छात्राओं द्वारा क्रिकेट, शतरंज में सहभागिता की जा रही, छात्रों द्वारा कबड्डी, वॉलीबॉल खेल का प्रदर्शन हो रहा। व्यायाम शिक्षक केदार सिंह द्वारा खेल के नियमों से अवगत कराते हुए छात्र छात्राओं को समर कैंप में प्रशिक्षण दिया जा रहा। इस तरह ग्राम इमलिया के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं को इंडोर खेल शतरंज सिखाया जा रहा। क्यों इसमें छात्राओं को शतरंज के नियम, मोहरों की चाल, कार्य के प्रति एकाग्रता का अभ्यास शिक्षकों द्वारा कराया जा रहा। जिला मुख्यालय पर असेंबली हॉल के बास्केटबॉल मैदान पर व्यायाम शिक्षक डॉक्टर अंजिता वर्मा द्वारा छात्र छात्राओं को नियमित अभ्यास के साथ खेल का प्रशिक्षण दिया जा रहा। छात्राओं द्वारा उत्साहपूर्वक सहभागिता कर बास्केटबॉल के खेलने को सीखने का अवसर मिल रहा। खबर भारतवर्ष के लिए नरसिंहपुर से ब्रजेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।